बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान पिया जी, धनी जी, वाला जी के कुट नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम सुनेंगे, सुनेंगे नहीं, आज हम देखेंगे सुंदर साथ जी कैसे देवचंद्र जी के नैनों से नीर झरते हैं जब वो श्रीमद् भागवत की कथा ही सुन रहे हैं। पर वाणी सुने सरस, इतनी सरस वाणी, इतना रस उनके हृदय में जो घोल कर जाती है, पिया की जब बातें उसमें होती हैं, जितनी भी साक्षियां उनमें धनी की दी गई हैं, ब्रज रास का जब वो वर्णन सुनते हैं तो उनके नैन कैसे बहने लग जाता है वो नीर, आज हम सुंदर साथ जी देखेंगे भी। और हमारे नैनों से भी वो नीर बहना चाहिए, हमारी आत्मा के नैनों से, कि कब पिया आप हमको मिलें। धनी करवाएंगे सुंदर साथ जी, अपने आप वो बल देंगे। आइए सबसे पहले किरंतन, बहुत प्यारा एक किरंतन वाणी, किरंतन यानी मैं उनको कहती हूँ पूरी श्रीमुख वाणी में से गायन, जो भी प्रकरण करेंगे सुंदर साथ जी। आज हमारी प्यारी सविता बेन, सविता बेन आप हैंड रेस कीजिएगा यदि आप हैं तो। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी आपने यदि दो डिवाइस लगाए हैं तो आप एक बंद कर दीजिए क्योंकि एको आ रहा है थोड़ा सा। सतगुरु महाराज की जय, प्रणाम जी। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनिये किए अलेखे। सुंदर साथ जी ए गुण देखो रे, क्यों ये न छोड़े माया को, हम भी सोड़ी न बजाए। सुंदर साथ जी ए गुण देखो रे, अरस परस भये रज में, तो मेरे धनिये दई सुटकाए। सुंदर साथ जी ए गुण देखो रे, क्यों ये न छोड़े माया हमको। कोई ना निकषाई न माया से, अवल से तिया जो दीना। सुंदर साथ जिए गुण देखो, तो दानिये बलये सुदियो, तो दानिये बलये सुदियो, आमा तारे सौ दे भवन। सुंदर साथ जी ए गुण देखो रे, दानिये पिस्ता कराई हमको, इली हाथ हमारे दई। सुंदर साथ जी ए गुण देखो रे, लोक सो देखिए निहसल, सो लोक सो दे अमा के निसल, सेवे नकल हरी सारे। सुंदर साथ जी गुण देखो रे,
अवगुण लेखे हम किए पियूसो, अवगुण लेखे हम किए पियूसो, पर ऐसे दानी के गुण सुंदर सात जी गुण देखो रे, काये विद सुख ऐसे दानी के, काये विद सुख से दानी के, क्यों कर सुंदर सात जी गुण देखो रे, इन विद सुख दिए अलिखे, इन विद सुख दिए अलिखे, ऐसे गुण मेरे पियूजी सुंदर सात जी गुण देखो रे, तामे एक गुण जो याद आवे, तामे एक गुण जो याद आवे, तो तब ही निकल जाए मेरे जीव सुंदर साथ जी गुण देखो रे, महामत काए गुण ये दानी के, श्री महामत काए गुण दानी के, सोई न मुख काई न जाए सुंदर सात जी गुण देखो रे, एक गुण याद एक गुण जो याद आवे, तो एक गुण जो याद आवे, तो तब उड़ जाए यार वाहे सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, उलेसी प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, जब गाते गाते गला रुंद जाए, दिल में इतने भाव आ जाए, सुंदर साथ जी सोचिए कितनी मधुरता, कितने मधुर भावों से उन्होंने ये गाया होगा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, हो रहे, बहुत 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 सुंदर, प्रणाम जी प्रणाम जी। हमारा गुजरात सुंदर साथ जी के भी गुण देख लीजिए सुंदर साथ जी, और धनी जी के तो एक गुण का बखान करना भी बहुत मुश्किल, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हमारे पास बहुत प्यारी सखियां गाने के लिए हैं, एक तो सविता बेन और एक हमारी प्यारी नीरू दीदी, आप उनकी आवाज सुनेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहेंगे कि आज तो आगे बढ़ना ही नहीं है, आज तो उनको ही सुनते रहेंगे। प्रणाम जी नील दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सोनू सोनू आवाज सुन रही है ना? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही है। वतन सोयो मेरो सुंदर साथ, सोई धनी सोई वतन सोयो मेरो सुंदर साथ, सोई विलास अब देखे, सोई विलास अब देखे, दोरी खेची उनके हाथ, सोई धनी मेरा सुन।
सोई रसीले रंग भरे मेरे खे नेत्र चढ़ा सोई रसीले रंग भरे मेरे खे नेत्र चढ़ा भरे भरे अमृत पीला सोई धनी सो रतन से मेरा सुंदर एक दूजे के चित्ते पर चाल चले माहमानी मेरे गागर गमाऊं गमापां पामधपाम गरिंदसा गमापां एक दूजे के चित्ते पर चाल चले माहमाहे पात्र प्रेम प्रीत के हास विनोद बिना चुना विनोद बिना कचुना सोई धनी सोई बतन से मेरा सुंदर बोए नेक आवे इन घर के आंगनिक से आए बोए नेक आवे इन घर के आंगनिक से धनिये खेल दिखाया करे
वतन से मेरे सुंदर साथ साई दिला से अब एक बार खींचे उनके हाथ सोई धनी मेरा सुंदर साथ सोई मेरा सुंदर साथ। राम जी सुन सब सुंदर साथ प्रणाम जी। नीरू दीदी सबके हाथ थम गए थे, गोपियां जो काम कर रही थी ना आज काम नहीं कर पा रही थी, उनका हाथ उनका मुख उनके नेत्र उनके कान इधर ही लगे हुए थे। मैंने देखा गति बहुत मंद पड़ गई है काम करने की, और सुंदर साथ जी के नैनों से जो नीर झर रहा था आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आशा दीदी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे आशा यो आप। नीरू दीदी जब भी आपके पास समय हो केवल एक इशारा कीजिएगा और जरूर जरूर ये सुख हम सब सुंदर साथ को धनी जी ने ही भेजा है, तो जरूर आते रहिए। अति सुंदर कोई शब्द ही नहीं है, सुंदर बहुत छोटा शब्द है पर क्या करें यहाँ के शब्द ही बोलने पड़ेंगे। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम सब जी राज्य का सब धनी जी का सब उनका है, खुशी का कुछ नहीं है, ये उन्हीं की बात है। कहीं भी हम नहीं ठहरते सुन, कहीं भी न तुम हो न मैं, वो खुद ही आए हुए याद कराने के लिए। हाँ जी, तो आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप आते रहोगे। प्रणाम जी जी। देखिए हाथ भी रुक गए थे, बोलते हैं ना प्रेम में फ्रीज हो जाना, वैसे हाथ अभी चलने शुरू हुए हैं और अभी चैट में मैसेजेस लिखने शुरू किए हैं सुंदर साथ ने। सुंदर साथ जी बस चले तो नीरू दीदी को यहीं बिठा लें और सुनते ही रहें सुनते ही रहें। एक दिन आएगा ऐसा राजी देंगे कि हम कितने सारे भाव उनसे सुनते रहेंगे जब तक वो थक नहीं जाएंगे, और राजी उनको थकने नहीं देंगे क्योंकि बल वो दे रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर वाणी गायन सविता बेन और नीरू दीदी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। अनुपमा बेन आज अर्जी गाने के लिए जरूर तैयार रहेंगे। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं श्री बीतक साहब के उन प्रसंग की ओर। मीठा वाणी गायन और मीठा ये प्रसंग, आइए चलते हैं सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होते है सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राण नाथ सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे, लाल आ गया बैठे न तखत, लाल आ गया बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी सतगुरु तो हर बार 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 हमें जगाने आते हैं, हमारा जीवन भी एक ट्रेन की भांति है, हर बार नया स्टेशन आता है और तन बदल जाता है। सुंदर साथ जी कितने स्टेशन हम बदल चुके हैं अभी तक, कितने स्टेशन हमारी जिंदगी में, कितने 400 सालों में कितने तन हमने बदल लिए, पर धनी जी हर स्टेशन पे आते हैं वो भी तन बदल कर आ जाते हैं हमारी ही तरह। सुंदर साथ जी ट्रेन में हमारे साथ हृदय में आकर बैठ जाते हैं, आप ये कह सकते हैं कि उसी कूपे में आकर मेरे ही सामने वाली सीट पर, हालांकि
हमारे ही हृदय में आकर बैठ गए, तो मेरे ही सामने वाली सीट पर आकर हर बार वो बैठ जाते हैं और मैं सोई रहती हूँ, चादर तान कर, कंबल तान कर वो हिलाते हैं, झंझोड़ते हैं, जगाते हैं, पर इतने स्टेशन बीत गए, इतने तन बीत गए, मैं नहीं जागती सुंदर साथ जी। अब इस बार फिर से इतने लाड भर कर आते हैं, बहुत सारा भोजन बाहर से, जो जो मुझे पसंद है ना वो सब कुछ पैक करवा के लाते हैं, वो यादें अपने घर से कुछ सामान भी उठा लाते हैं कि इसको जगाऊंगा, इसके लिए मैं इतने सारे सरप्राइज लाया हूँ जो मैंने अपने घर में इसको दिखाई नहीं थे, अभी छुपा कर रखे हुए थे, वो मैं इसको दिखाऊंगा तो कितनी खुश हो जाएगी, कितना प्यार इसके हृदय में आ जाएगा, पर मैं हूं कि जागती ही नहीं, वो हर बार चादर भी खींचते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर ये कठोर जीव जागता ही नहीं सुंदर साथ जी। पर अब इस स्टेशन से अब हमें धनी जी का हाथ पकड़कर अपने हृदय में उनकी पहचान करके और वो जो सारी निधियां हमारे लिए लेकर आ गए हैं ना सुंदर साहब जी, उन सारी निधियों को धनी के इशारे से हमने देखना है, जो जो हमें वो दिखाएंगे, जो जो समझाएंगे, जो जो प्रेम के पूर दिल में बहाएंगे, जो बूंदें बरसाएंगे, उन सब का आनंद अब सोकर नहीं लेना सुंदर साथ जी, जितनी भी सांसें बची हों धनी के साथ बैठकर ट्रेन के बाहर के नजारों का आनंद लीजिए, जो वो दिखाना चाहते हैं इस माया में आकर वो देखने का प्रयास हम सब सुंदर साथ जी अब करेंगे, उनकी साहिबी भी जानेंगे सुंदर साथ जी, अभी तक पूर्ण रूप से कहाँ जान पाए हैं हम उनकी साहिबी और उनके इश्क के तो कहने ही क्या। सुंदर साथ जी देवचंद्र जी अब कहाँ पहुंच चुके हैं, कानजी भट्ट, कानजी भट्ट उनके पिताजी के गुरु नहीं है सुंदर साथ जी, वो तो महराज ठाकुर जी के पिताजी के गुरु रहेंगे, देखिए क्या सुंदर उन्होंने वो बनाया है, क्या सुंदर ये कोइंसिडेंस, कहीं राज्जी की कोइंसिडेंस नहीं होती, ये राज्जी का क्या हुक्म है ये, कि ये जो राधा वल्लभी मार्ग के हैं हरिदास जी वो तो देवचंद्र जी के पिताजी के गुरु रहे, तो वहां पर पहुंच गए किस प्रकार, देवचंद्र जी हर तरह से खोज खोज कर अल्टीमेटली वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उनको दीदार भी हो जाते हैं, एक दीदार जर्नी की शुरुआत में होते हैं, अब एक दीदार तकरीबन तकरीबन 8 साल हो चुके हैं उनको यहाँ पर आए, 16 के चले थे, 24 के हो चुके हैं अभी तक, 24 से पहले ही दीदार तो हो जाते हैं, पर इन सालों में ही एक जर्नी के अभी मिडल नहीं हुआ है, मिड नहीं हुआ है, पर थोड़ा सा ही चले हैं और उनको दीदार हो गए हैं हरिदास जी के पास रहकर, किस रूप में, बाल मुकुंद जी के रूप में उनको दीदार दिए हैं स्वयं धनी जी ने, स्वयं धनी जी के आवेश स्वरूप ने उनको दीदार दिए हैं सुंदर साथ जी। अब आगे जब चल रहे हैं तो कहाँ चल रहे हैं, अभी वो हैं सुंदर साथ जी कच्छ में, अब आगे कोज नगर गए तो हरिदास जी के पास गए, अब आगे कहाँ चल रहे हैं सुंदर साथ जी, फलार देश नौतनपुरी, हमने दर्शन भी किए नौतनपुरी के, अब यहां से आए बीच हलार देश, तहां नौतनपुरी मिने बहुत जमा भय खेस, तो नौतनपुरी में भोज नगर से चल कर सुंदर साह जी, सवारी नहीं है कोई, चल कर वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि मन में अभी भी तड़प है, तो हरिदास जी उनको बताते हैं कि तुम नौतनपुरी चले जाओ, वहां पर बहुत सुंदर कथा हुआ करती है, तो वहां जाकर कथा सुना करना, उनके काफी सगे संबंधी भी नौतनपुरी में रहते हैं, देवचंद्र जी के माता पिता वो भी साथ में, जहाँ पुत्र जा रहा है सुंदर साथ जी, बहुत बड़ी तपस्या है उनकी कि पुत्र कोई लौकिक कार्य नहीं कर रहे हैं, पर जहां जहां खोज के लिए वो आगे जा रहे हैं माता पिता साथ में जा रहे हैं सुंदर साथ जी, जरूर उन्होंने रोका है, जरूर उन्होंने टोका है, जरूर उन्होंने ब्याह किया, पर उन्होंने कहाँ किया सुंदर साथ जी, धनी जी का हुक्म
जैसा जैसा मत्तू मेहता जी से और कुंवर बाई जी से करवाता जा रहा है वो तो बस करते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो देवचंद्र जी के माता पिता भी साथ में आकर रहने लग जाते हैं। पहले कौन से मार्ग में सुंदर साथ जी वो थे? राधा वल्लभी जो मार्ग है उनको उनके अनुसार वो सेवा पूजा साधना सब कर रहे हैं। अब कौन सा मार्ग अपनाते हैं? वल्लभाचार्य। वल्लभ दोनों में कॉमन है सुंदर साथ जी, हमारे जो प्राण वल्लभ है ना वो तो कहीं जाते ही नहीं है। तो पहले राधा वल्लभी और अब पहले वल्लभी पे खत्म होता था, अब जहां से खत्म हुआ है ना वहीं से शुरू करना है। तो वल्लभ से शुरू करते हैं, वल्लभाचार्य मत में अब उनके अनुयायियों का यहाँ पर बहुत प्रभाव है। कहाँ पर? नौतनपुरी हलार देश। तो देवचंद्र जी का उनसे थोड़ा विवाद रहा करता है, क्योंकि जो सीधे लोग होते हैं, जो मुख पर सब कहते हैं और अपने रास्ते पर चुपचाप चलते रहते हैं, अक्सर लोगों को उनसे प्रॉब्लम हो ही जाया करती है। तो सुंदर साथ जी पहले कौन से मंदिर में थे? बांके बिहारी जी के मंदिर में। सबसे पहले पिंगल श्याम जी के मंदिर में दंडवत परिक्रमा किए करते थे, फिर बहुत सारे मंदिरों में खोज करने भी गए थे, फिर कौन कौन से मत में गए थे वो भी हमने सुना, फिर सुंदर साथ जी बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी के मंदिर में सेवा की, राधा वल्लभी मार्ग का अनुसरण किया। अब कौन सा मंदिर है सुंदर साथ जी? श्याम जी का मंदिर, यानी के श्री कृष्ण जी के मंदिर में, श्याम जी के देवल में, कथा कहे कान जी भट्ट, निस्ता ले सुनने लगे होए वल्लभियों से खटपट। तो सुंदर साथ जी कान जी भट्ट पहले थे हरिदास जी और अब हैं कृष्ण जी का मंदिर, और कान के नाम से ही उनका नाम कभी नहीं भूल सकता। कान जी भट्ट क्या करते थे? श्रीमद् भागवत की कथा किया करते थे। इनके पास सुंदर साथ जी अब तक सबसे ज्यादा टाइम जो उन्होंने स्पेंड किया, सबसे ज्यादा समय जो बिताया वो कान जी भट्ट के पास ही बिताया। उनको इतने साल दर्शन नहीं हो रहे सुंदर साहब जी, 14 वर्ष तक निष्ठाबद्ध होकर, निष्ठाबंध होकर उनसे भागवत सुना करते हैं, वो तो आ जाया करते थे। देवचंद्र जी तो हरिदास जी के पास से भी आ गए, यहाँ 14 वर्ष तक सुनते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि धनी जी का दर्शन उनको यहीं पर होने वाला है। अब उनके अंदर ऐसी कोई वो अंदर धनी दे ही नहीं रहे कि यहां से आगे तुमने मूव करना है या यहां से आगे तुमने जाना है। एक एक पल उनके इशारे से, उनके हुक्म से व्यतीत होता हुआ सुंदर साथ जी। तो कानजी भट्ट श्रीमद् भागवत की कथा किया करते थे, देवचंद्र जी सुना करते थे, पर कुछ कट्टरवादी जो लोग थे, जो सुनने आया करते थे सुंदर साथ जी, उनसे कुछ खटपट रहती थी। देवचंद्र जी तो कुछ कहते ही नहीं थे क्योंकि वो तो अपना सुनते थे। अब प्रॉब्लम क्या थी सुंदर साथ जी? श्रीमद् भागवत की चर्चा रूपी जो आत्मिक आहार उनको मिलता था, सुंदर साथ जी ब्रज रास की इतनी सुंदर लीलाओं का वर्णन किया जाता था और उनको अब तक पता भी है कि मैं ही राधिका रानी हूं और मैंने ही ये सुख लिए हुए हैं। तो सुंदर साथ जी उनको ब्रज और रास की लीलाओं में बड़ा रस प्राप्त होता है, बहुत आनंद आता है। वो उनको सुने बिना, श्रीमद् भागवत का श्रवण किए बिना, आत्मिक आहार को ग्रहण किए बिना शारीरिक आहार लेते ही नहीं है। ये नहीं कि मेरी आत्मा तो पूरा दिन बस देखती ही रह गई कि आज तो इसने मुझे कुछ दिया ही नहीं, बस दृष्टा बन के बैठी है, उसको आहार कुछ दिया ही नहीं गया। नहीं सुंदर साथ जी, पहले आत्मिक फिर शरीर का आहार। तो क्या हम सुंदर साथ ऐसा कर रहे हैं कि पहले धनी जी से बात तो कर लूं सुबह उठ के? सुंदर साथ जी ज्यादा समय नहीं मांगते, वो तो कहते हैं एक क्षण सुंदर साथ जी, दिल से हूक निकलने में एक क्षण का भी, एक पलक जो कहते हैं ना पलक झपकने में जो समय लगता है, उतनी सी भी यदि तू मेरे से दिल से बात कर ले ना मैं तेरा समय नहीं मांगता। ऐसे हमारे प्यारे प्राण पिया हैं सुंदर साथ जी, पर वो हूक निकलने के लिए,
दिल से वो टीस जो होती है ना सुंदर साज जी, वो टीस निकलने के लिए उनके साथ समय बिताना पड़ता है। तो पहले उनसे बात कीजिए, सुबह उठते ही, चाहे अभी आप बिस्तर पर ही हैं, पर पहले धनी से उठकर बात कर लीजिए, फिर माया के कार्यों में लग जाइए। सुंदर साज जी, पल पल उनकी याद साथ में रहेगी। धनी रखेंगे हम, नहीं रखेंगे हम, होते कौन है ये करने वाले, बात भी सुबह वही करवाएंगे अपने साथ। इंद्रावती जी बहुत सुंदर उन्होंने कहा है, सुंदर साज जी वो कहती हैं कि हम कौन होते हैं सुंदर साज जी, धनी जी से बात करने वाले, हम कौन होते हैं उठने वाले, बैठने वाले, करने वाले, बल देने वाले, वो हैं। हमें तो समझ ही नहीं आई अभी तक कि ये खेल है क्या। पता है क्या कहती हैं, इश्क रब्द मांग कर, इश्क रब्द करके हम धनी से यहाँ पर आ गए हैं। कहती हैं, मेरा हृदय फट क्यों नहीं गया, मैं फट क्यों नहीं गई जब मैं आपसे रब्द कर रही थी, जब मैं रब्द की वो बातें आपसे कर रही थी, मैं वहां पर खड़ी कैसे रह गई। और आज जब मैं उन इश्क रब्द की बातों को सुनती हूँ इस वाणी में, जब इन उन इश्क रब्द की, उस इश्क के बेवरे को सुनती हूँ, तो मैं टूक टूक क्यों नहीं हो जाती। हाय रे जीव, ये तो खड़ा कैसे रह जाता है कि मैंने अपने धनी को ऐसे जवाब दिए कि नहीं मैंने जाना है, मैंने अपने प्राण प्रियतम से ऐसा कह कैसे दिया, चाहे उन्होंने ही कहलवाया पर मेरा मुख चला कैसे अपने धनी को ये कहने के लिए, ऐ मुख तू चला क्यों कि मैंने पिया तुमको छोड़कर यहाँ पर जाना है। वहां तो कह भी आई, वो तो पिया जी परम धाम है, पर यहाँ आकर उन बातों को सुन सुन कर मैं पत्थर, मैं ढीठ कैसे हो गई हूँ। स्वयं को नहीं कह रही सुंदर साज जी, ना तो वो पत्थर है ना वो ढीठ है, रिप्रेजेंट तो हमें कर रही है कि ऐ अंगनाओ तुम इतनी ढीठ, इतनी निष्ठुर, इतनी कपट, तुम जीव भाव में कैसे प्राप्त हो गई हो। तुम्हारी आत्मा तो अति कोमल, अति निर्मल परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है। तुम जीव भाव से उठकर परात्म की ओर नजर करो और पिया से मीठी मीठी बातें करो। अब इश्क रब्द नहीं, अब मीठी मीठी बातें करो। क्या कहती हैं सुंदर साज जी, हमें मांगना पड़ेगा। सुंदर साज जी, इंद्रावती जी की अवस्थाएं, जब तक हम हकीकत की अवस्था में होते हैं हमें धनी जी से मांगना पड़ता है। जब मारिफत की अवस्था आ जाती है तब एकाकार हो जाते हैं, तब कौन किससे मांगे। पर कहाँ आई है हमारी वो अवस्था सुंदर साज जी। तो कहती हैं, पिया जी मेरे में तो प्रेम ही नहीं है, मेरे में तो आपने ही बताया कि तुम्हारे पास तो प्रेम है ही नहीं। यहाँ पर आकर हमारे पास, हमें तभी तो यहाँ लेकर आए, हमें पता चला कि यहाँ तो प्रेम है ही नहीं, यही तो बताना था। हमने कहा हमारा प्रेम बड़ा और यहाँ आकर पाया कि बड़ा तो क्या, छोटा तो क्या, हमारे पास तो अंश मात्र भी नहीं, प्रेम है ही नहीं। प्रेम के पूर, प्रेम के सागर तो पिया है केवल। तो क्या कहती हैं सुंदर साज जी, कहती हैं मेरे पास तो धनी प्रेम है ही नहीं, तो मेरा फिर भी आपसे प्रेम करने का दिल करता है। मेरी इतनी चाहना, प्रबल चाहना अंदर से होती है कि मैं आपसे प्रेम करूं। आप तो प्रेम के सागर हो, आपके अंदर वो चाहना क्यों नहीं होती। किसी प्रकार से पिया जी से कह रही हैं कि अब ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, पिया दे दो वो प्रेम, दे दो जो परम धाम में हमसे हुआ करता था। सुंदर साज जी, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे मर्जी चाहे इस तरह मैं उनको हुक्ड कर लूं, चाहे इस तरह। इंद्रावती जी लाख प्रयास कर करके उनके हृदय में बैठे हैं, उनको पता है सुंदर साथ जी, फिर भी हम सुंदर साथ को प्रबोधित करने के लिए कि इस तरह से मांगो, इस तरह से मांगो, तुमको तो मांगना भी नहीं आता रूहो, तुमको तो मांगना ही नहीं आता, आओ मैं सिखाती हूँ। जैसे रास की रामते कर करके एक एक सखी को उन्होंने सिखाया था ना, और बालाजी सबसे पहले सीख जाते थे, सुंदर साथ जी हमें आज भी सिखा रही हैं कि इस तरह से पिया को रिझा सकती हो तो रिझा लो।
एक-एक शब्द वाणी का हृदय में चोट करने के लिए यह सुंदर साज जी, जब तक वो चोट नहीं लगती तब तक वो मिठास, वो प्रेम अंदर फील नहीं हो सकता, महसूस नहीं हो सकता। चाहे प्रेम का सागर भरपूर अंदर बैठा हो, पर हम जब तक उसके पास नहीं जाएंगे तब तक कैसे कैसे उस प्रेम को अपने अंदर फील करेंगे। सुंदर साथ जी, वो तो पल पल बुला रहा है, तो आइए चलें उस प्रेम के सागर के पास। देवचंद्र जी से सीखें सुंदर साथ जी, तभी जलपान ग्रहण करते हैं जब आत्मा का आहार मिल जाता है किसी कारणवश। यदि देवचंद्र जी को हल्की सी देर हो जाती है, फ्यू मिनट्स यदि वो देर हो जाती है ना, लेट हो जाते हैं, तो कान जी भट क्या करते हैं, आगे नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि देवचंद्र जी फिर पुस्तक मंगाए के फिर उनको कहते हैं, उनके घर चले जाते हैं, वहां पे डिस्टर्ब नहीं करते सुंदर साथ जी, उनके घर चले जाते हैं और कहते हैं फिर से पुस्तक निकालिए, वे ही सुने वचन जो आज मैं नहीं सुन पाया, मुझे फिर से सुनाइए। तो कानजी भट्ट को पता है कि वैल्यू किसको है, दर्द किसको है, तड़प किसको है, समझ किसको आ रही है जो मैं सुना रहा हूं। करोड़पति बैठे हैं, अरबपति सेठ बैठे हैं सामने, पर उनको पता है कि तड़प में अरबपति कौन है, प्रेम में अरबपति कौन है, उनको पता है सुंदर साथ जी। जिसके अंदर वो ज्वाला है, ज्वाला में अरबपति कौन है, उनको पता है। तो वो क्या करते हैं, देवचंद्र जी का इससे अच्छा वेट ही कर लो, नहीं तो देवचंद्र जी को इंतजार करना पड़ेगा, जब तक वो घर आएंगे फिर मेरे से निकलवाएंगे और फिर सुनेंगे, मैं उनकी इंतजार कर लेता हूँ। सुंदर साथ जी, देखिए जो गुरु होता है ना, वो पहचान लेता है सुंदर साथ जी कि सुनने वाला किस प्रकार से उसको श्रवण कर रहा है, किस प्रकार से उसको ग्रहण कर रहा है और किस प्रकार से अपने जीवन में उतार रहा है, ये तो गुरु को पता लग जाता है। तो सोचिए जो सतगुरु होते हैं उनसे हमारी स्थिति छुपी नहीं होती, हम ऊपर ऊपर से चाहे कितने भी प्रयास करते रहें सामने हो के उनको दिखाने की, पर अंतर स्थिति को, आत्म की स्थिति को वो जानते हैं सतगुरु, उनसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता क्योंकि धनी उन्हीं के अंदर लीला कर रहे होते हैं सुंदर साथ जी। तो कान जी भट्ट तो शुरू ही नहीं करते, और कभी एक चौपाई सामने से आते हुए देवचंद्र जी दिख भी जाएं, शुरू भी करें तो गुह्य ज्ञान की बात तो मुख से निकालते ही नहीं जब तक देवचंद्र जी आ नहीं जाते। बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े साहूकार, राधा वल्लभी मार्ग नहीं सुंदर साथ जी, कौन सा, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य मत के अनुयायी हैं। अब उनमें खटपट होने लगती है क्या कि ये देवचंद्र जी का इंतजार क्यों करते रहते हैं, अरे सेवा तो हम देते हैं, धन तो हम देते हैं और इंतजार होता है उनका, ऐसी कौन सी बड़ी हस्ती है जिसका इंतजार किया जाए। भाई कानजी भट्ट, उनका इंतजार क्या करते हो, इनसे क्या धंधा चल रहा है आपका, क्या ये आपको सेवा देते हैं, क्या ये धन देते हैं जो आप भागवत कथा को इनके आने से पहले आरंभ ही नहीं करते। तब कहया कान जी भट्ट ने, मुझे ना काहू की आस, मैं आगे बाँचत श्याम जी के, सुने श्री देव चंद्र जी खास। कहते हैं मुझे इनसे कोई आशा नहीं है, इनसे तो क्या, मुझे आपसे भी कोई आशा नहीं है। इस प्रकार के व्यंग्य भरे आरोप को सुनकर कहते हैं, मैं किसी से भी कुछ भी भेंट पाने की आशा नहीं रखता, मैं ये आशा रख कर सेवा नहीं करता, मैं तो श्याम जी के आगे, कृष्ण जी के आगे बांचता हूं ये बैठकर, श्रीमद् भगवत गीता मैं उनके लिए, मैं उनके सामने बैठकर ये सेवा करता हूं, मुझे किसी से कोई आस नहीं है। तो भला देवचंद्र जी से आप तो फिर भी यहाँ पर धन की सहायता कर सकते हैं, भला देवचंद्र जी से मुझे क्या आस होगी। पर
सुने श्री देवचंद्र जी खास। जिस प्रकार से देवचंद्र जी सुनते हैं, सुंदर सा जी, देव चंद्र कहते ही मन में इतना उल्लास आता है कि मेरे पिया ने ये तन धारण किया है, मेरी श्यामा जी उनके अंदर हैं, उनके लिए इतना प्रेम हमारे हृदय में भर जाना चाहिए। उस तन के लिए, उस जीव को प्रणाम, और उनके अंदर बैठे जो पिया जी है ना, वो तो प्रेम के पूर उनके अंदर बह रहे हैं सुंदर साथ जी। बस श्यामा जी को अभी पता नहीं है, क्यों? क्योंकि धनी अभी नहीं चाहते, देंगे संजमे संजमे, धीरे धीरे पिलाएंगे, क्योंकि हम सुंदर साथ के लिए श्यामा जी ये तपस्या, उनको तपन, ये तपाया क्यों जा रहा है? क्योंकि सुंदर साथ को सिकापन देना है, वरना श्यामा जी को तो उसी पल मिल जाते जितनी मेहनत वो कर रही हैं। उनका करोड़वां हिस्सा भी धनी कहते हैं, अगर तुम कर लो ना तो मैं आज तुम्हारे पास खड़ा हूं, एक पांव पे खड़ा हूं, तुम मुझे पुकार के तो देखो। श्यामा जी पल पल पुकार रही है, सुंदर साथ जी उनके पास नहीं आ रहे। आप उनके दर्द को समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी? बार बार पिया को पुकार रही हैं, उनके हृदय में होते हुए भी सामने नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि रहनी की ये एग्जाम्पल्स हमारे लिए सेट करने हैं उन्होंने। 14 वर्ष कहना बहुत आसान है, मुंह को हिलाना, शब्दों में लाना, इसको बहुत आसान है सुंदर साथ जी। 14 वर्ष में कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड्स, कितने पल हुए होंगे, उस हर पल में श्यामा पुकारती होंगी उनको, पर वो नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सुंदर साथ के लिए। तो ऐसी मेहनत, ऐसी तपस्या, ऐसी साधना, इस प्रकार का जो धनी जी कर रहे हैं और श्यामा जी कर रही है ना सुंदर साथ जी, ये सुनकर भी यदि चोट ना लगे, यही काल माया है। ऐसा ही तन है, वो भी थक जाता है सुंदर साथ जी, उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। अब कोई वो 24 साल के ही तो नहीं रहेंगे, 26 साल के ही तो नहीं रहेंगे, 14 वर्ष बीतते बीतते 40 वर्ष के हो जाएंगे सुंदर साथ जी। मिडल एज जिसको कहते हैं ना, 40 वर्ष का हो जाना सुंदर साथ जी, इतने महीने जाते जा रहे हैं, रोज करते जा रहे हैं, ना केवल सुनते बल्कि हृदय में बसाते जा रहे हैं। आपने एक बात जरूर नोट की होगी, हमने एक बार भी श्री मुखवाणी का, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम की नहीं, मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने एक बार भी श्री मुखवाणी का पूरा टीका, अभी तक मैं भी 40s में हो चुकी हूँ, मैंने नहीं पढ़ा सुंदर साथ जी। बहुत शर्म की, बहुत लज्जा की ये बात है कि अभी तक भी पूरी श्री मुखवाणी का टीका मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा सुंदर साथ जी। लानत है, लानत इस जीव पर जो इस तरफ नहीं मुड़ा और उसने एक बार भी नहीं पढ़ा। वो 14 वर्ष में पता नहीं कितनी बार उसी भागवत को, उन्हीं श्रीमद् भागवत को सुनते जा रहे हैं, निष्ठा बंद, कभी छुट्टी भी नहीं करते रोज। हालांकि उनको तो 1 साल में पूरी हो गई होगी, 2 साल में पूरी हो गई होगी सुंदर साथ जी, उनको तो ये लगता होगा कितनी बार तो सुन ली, अब इसी को बार बार सुनता रहूं। नहीं, उनके हृदय में तो कभी नहीं आता सुंदर साथ जी, तभी तो अभी तक सुनते जा रहे हैं। जो रस, जो आनंद उनको प्राप्त हो रहा है धनी की मेहर से, उसको अंदर समेटते जा रहे हैं। कभी हृदय में ये नहीं आता कि अब तो मैं परिपक्व प्रवीण हो गया हूं, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं सुंदर साथ जी, और हमने एक बार भी यदि शुरू भी ना किया हो ना सुंदर साथ जी, श्री मुखवाणी टीका से पढ़नी शुरू जरूर कर दीजिएगा। धनी को यही यही शिक्षा दे रहे हैं वो हमें, कि बार बार करते हुए, अभी तो श्री मुखवाणी उनको मिली नहीं है, अभी तो श्रीमद् भागवत मिली है, उनको बार बार श्रवण करते हुए वो नहीं थकती। तुम्हें मैंने हृदय के भेद खोल खोल के सामने रख दिए, तू उनकी तरफ देखती नहीं कि कौन सा भेद मैंने कहाँ खोला है, तेरे पास समय ही नहीं है। ऐसी माया का क्या करना है सुंदर साथ जी, कि मेरे पिया के दिल के भेद
खुली किताब की तरह वो सामने रख दिए हों और हम पन्ने भी ना पलटा रहे हों उनके हृदय की उस किताब के सुंदर सार की। कहते हैं कि मुझे धन तो आप जैसे सेठों से प्राप्त हो सकता है, देवचंद्र जी से मुझे क्या प्राप्त होगा, होए क्या इन गरीब से। सुंदर साथ जी कहीं कहीं इससे भी शिक्षा दे रहे हैं, धनी अभी भी गरीब परिवार से हैं, कहीं किसी गरीब परिवार से आने वाले सुंदर साथ का दिल तो नहीं दुखा दिया आज तक। बहुत ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी, श्यामा उनके अंदर भी हैं, युगल स्वरूप उनके अंदर भी हैं। यदि आज तक दुखाया हो तो आज उनसे क्षमा याचना सामने से कर लीजिएगा तो और अच्छा, हृदय से तो जरूर कर लीजिएगा। सुंदर साथ जी उनके अंदर उनको कौन से सुख मिल रहे हैं हमें क्या पता, हम नहीं जानते। ये तो माया के बस ओढ़े हुए वो हैं कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लंबा है, ये सुंदर है और ये असुंदर है। सुंदर साथ जी सबके अंदर सर्व गुण संपन्न हमारे पिया जी की अति सुंदर धनी जी की बैठक है। बस उस बैठक को यदि हम देख लेना तो ना ये गरीबी दिखाई देगी, ना अमीरी, ना ये सुंदर गाता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ये सेठ हैं तो उनकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, नहीं, मेरे धनी की वैल्यू तो सेम टू सेम है, जो सबके अंदर विराजमान हो गए हैं। तो सब सुंदर साथ को समभाव से देखना शुरू करेंगे। सुंदर साथ जी कल हम लोग, मैं वहां यहाँ पे पढ़ा रही थी, एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न पूछा कि सोनिया जीरो डजंट हैव नेगेटिव। तो मैं अचानक से हैरान हो गई, हमें भी पता है सुंदर साथ जी जो जीरो होता है ना वो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। पॉजिटिव 1 2 3 होते हैं, नेगेटिव 1 2 3 भी होते हैं, -1 -2 -3 में जा सकते हैं। जीरो एक ऐसा डिजिट है जो ना तो प्लस में जाता है ना माइनस में जाता है। तो कल वो बच्चे का प्रश्न मुझे बहुत कुछ सिखा गया। मैंने उसको बोला कि बेटा नहीं, इट डजंट हैव नेगेटिव, डजंट हैव पॉजिटिव, पर अंदर ही अंदर मुझे लगा कि ऐसा ही जीरो यदि हम बन जाएं जो ना तो सुख में पॉजिटिव होता हो, ना दुख में नेगेटिव हो जाता हो, ना तो इतना आनंदित हो जाता हो इस माया के सुख को पाकर, क्या है, एक दिन रहेगा, पता नहीं कितने दिन फिर चला जाएगा, ये कौन से अखंड सुख है सुंदर साथ जी। और ना ही दुख आते ही माइनस में चला जाता हो कि पिया क्या कर दिया। सतगुरु जी, पिया जी, हम तो आपके पास ही आते हैं, हम तो कहीं और जाते भी नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। नहीं सुंदर साथ जी, ये जीरो भी बहुत कुछ सिखा जाता है कि समभाव में कैसे रहना है, चाहे दुख हो या सुख हो, बस पिया के आनंद में मस्त रहिए। इसी प्रकार का समभाव भी सुंदर साथ के प्रति भी कीजिए, चाहे कोई कैसा भी हो पर उसके अंदर मेरे धनी जी की बैठक है। सुंदर साथ जी चाहे कोई बुरा भी बोल जाए तो क्या हुआ, इस जीव के स्वभाव है, उसकी आत्मा पे नजर केंद्रित करें। सुंदर साथ जी क्या हुआ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मेरी खुद की आत्मदृष्टि तो खुलती नहीं, तो क्या हुआ, सुंदर साथ की आत्मा में विराजमान जो धनी है ना उनसे प्यार करना शुरू कर दीजिए, यानी के सुंदर साथ से प्रेम करना शुरू कर दीजिए। वही आनंद धीरे धीरे आपको अपनी आत्मा के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। ये सुंदर साथ नहीं, ये मेरे पिया के तन है। सुंदर साथ जी श्यामा जी के तन है और श्यामा जी के अंग हैं, ऐसा प्रेम हमें सुंदर साथ जी से करना है। ऊपर ऊपर जो वो अभिनय कर रहे हैं ना, यहाँ की स्टेज पे आकर, इस काल माया की स्टेज पर आकर, जिस जीव पर बैठकर ये जो जीव अभिनय कर रहा है ना, कभी कभी बुरा भी बोल जाते हैं, कभी कभी गालियां भी निकाल देते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा बोलते हैं, इस अभिनय पर ध्यान नहीं देना, उसके अंदर जो विराजमान है ना उन पे ध्यान देना है। तो कांजी भट्ट क्या कहते हैं कि देव चंद्र जी की अनुपस्थिति में अगर मैं एक भी श्लोक आगे बढ़ जाता हूं
आगे पीछे बोल जाता हूं कई बार, तो वो मुझसे प्रश्न करते हैं कि इस प्रकार कैसे हुआ, मेरे घर पहुंच जाते हैं, पुस्तक छोड़ावत सोए, भागवत ग्रंथ को पधरा कर पुनः पुनः उसको सुनते हैं, तिस वास्ते इन आए के मैं करत उच्चार, मैं काहू की आशा ना करूं, मेरे चाहिए ना कार व्यवहार। तो कहते हैं मुझे कोई इच्छा कोई भी वो नहीं है, चाह मुझे कोई व्यवहार नहीं है इनसे, भागवत की कथा सुनाना, ध्यान से सुनिएगा, भागवत की कथा सुनाना मेरा व्यवसाय नहीं है। तो जब भी सुंदर साथ जी चर्चा करें, चर्चा सुनाए, आप हम क्या सुनानी है, किसी ने धनी सुनाते हैं वो भी, पर जो भी जीव उन्होंने सिलेक्ट किया, जो भी तन उन्होंने सिलेक्ट किया है सुंदर साथ जी, व्यवसाय ना बना लीजिएगा कहीं। भागवत की चर्चा करना, कथा सुनाना मेरा व्यवसाय नहीं है, मैं किसी भी व्यक्ति से कोई चाहना नहीं रखता हूं। सुंदर साथ जी भजन करके धनी की बात सुनाकर कभी भी इसको व्यवसाय के रूप में ना लीजिएगा, क्योंकि यदि अपना आत्मिक उद्धार करना है, यदि आत्मा के नेत्रों से धनी को देखने की चाहत है सुंदर साथ जी, तो उसी तरह से उनको रिझाइएगा जैसे धनी चाहते हैं। इस माया के लिए उनको नहीं रिझाना कि कुछ पैसे मिल जाएंगे। भट्ट जी की इस बात को सुनकर सभी चुप हो जाते हैं, अब जवाब क्या दें, उन्होंने भागवत इस तरह से कभी सुनी होगी, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण इस तरह से किया हो तभी तो वो कोई जवाब दे पाएंगे, क्योंकि वो भागवत कथा कर रहे होते हैं, इनके मन में क्या चल रहा होता है, अपना बिजनेस, अपना घर, घर में कोई कलह हुआ है तो वो चल रहा होता है, या फिर बिजनेस में इसको देना है इससे लेना है, बस वही चल रहा होता है, हमें क्या पता कौन सा श्लोक आगे बोल दिया कौन सा पीछे बोल दिया। अब वो कुछ उत्तर नहीं दे पाए क्योंकि इसमें वो पीछे हैं और उनको पता है, और जिनको पता होता है कि हम पीछे हैं, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साह जी, जिनको पता होता है कि हम पीछे हैं, वही छिद्र निकालने का कार्य करते हैं। यदि कहा जाता है, यदि एक छोटी लाइन से बड़ी लाइन बनानी हो तो अपनी लाइन को बढ़ाइए, अपनी गति को बढ़ाइए, अपनी लाइन को, रेखा को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए, दूसरे की रेखा को मिटाकर अपनी लाइन, अपनी तो उतनी रहे, दूसरे की मिटाकर छोटी कर दूं, उससे लाइन नहीं बढ़ेगी सुंदर साहब जी। तो अपनी गति बढ़ानी है, अपना प्रेम पिया के साथ करना है, जो धनी ही देंगे गति भी वही बढ़ाएंगे, पर कभी भी दूसरे का तकला हमें नहीं तोड़ना है, कभी भी उनकी रेखा को छोटी करने का प्रयास, हम सामने से तो लगेगा कि रब करके हमने छोटी कर दी, पर धनी की नजर में वो और लंबी हो गई सुंदर साथ जी, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो कथा का श्रवण करके अपने घर तो चले जाते हैं, पर उनके मन में अब देवचंद्र जी के प्रति और ईर्ष्या और द्वेष पैदा हो जाता है। यही तो फर्क होता है अंगनाओं में, ब्रह्म मुनियों में और माया के जीवों में, यही तो डिफरेंस होता है सुंदर साथ जी, उनमें ईर्ष्या द्वेष की भावना बढ़ती चली जाती है, ब्रह्मवाणी उनके अंदर जाती ही नहीं। यदि हमारे जीव में भी अभी भी ब्रह्मवाणी को सुनकर भी ईर्ष्या आती है, ये आगे कैसे बढ़ गया, इनके बच्चे आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ये ऐसे इस शहर ने ऐसे कैसे कर दिया, हमारा शहर कैसे पीछे रह गया। सुंदर साहब जी यहाँ के ग्रंथ कहते हैं परिवार तो छोड़ो, मैं तो छोड़ो, अपना शहर तो छोड़ो, वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, भारतवर्ष ही नहीं पूरा वसुधा, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, यहाँ के ग्रंथ कहते हैं ये। तो सुंदर साहब जी हमारी श्री मुखवाणी तो आई ही सुख शीतल करूं संसार, केवल भारतवर्ष नहीं कहा गया सुंदर साहब जी, केवल हमारा शहर नहीं कहा गया, केवल हमारा घर नहीं कहा गया, केवल मुझे नहीं कहा गया, क्या कहा गया, सुख शीतल करूं संसार, यानी के पूरा
पूरा ब्रह्मांड को शीतल करना है सुंदर सार जी। ईर्ष्या करेंगे छोटी छोटी बात पर तो फिर तो शीतलता कैसे आएगी, फिर तो ऊष्मा ही ऊष्मा होगी और इतनी गर्मी हो जाएगी, इतनी गर्मी हो जाएगी, फिर जितना लेट होते जाएंगे उतनी शीतलता गर्मी बढ़ती जाएगी। और उतना शीतल करने में एसी चलाओ ना, बहुत गर्मी हो टाइम ले लेता है उसको थोड़ा ठंडा करने में, है ना। तो अभी से शुरू कीजिए वो एसी सुंदर सार जी, एसी हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, शीतलता का भंडार बैठा है, उसकी ओर नजर कर लीजिए सुंदर सार जी बस। और शीतल अपने अंदर ऐसे महसूस कीजिए जब चितवन में बैठते हैं ना, कि इतनी शीतलता की किरणें मेरे अंदर से धनि प्रवाहित कर रहे हैं कि पूरा संसार उससे शीतल हो सकता है। ये ब्रह्मवाणी है सुंदर सा जी, जो पूरे संसार को शीतल कर सकती है। अब छिद्र को ढूंढ रहे हैं, रहे बाहिर दृष्ट अहंकार, ईर्ष्या अहंकार, ये अहंकार जो होता है ना उसी से सारे पैदा होते हैं सुंदर सा जी। आपने देखा मूल जो जड़ है ना वो है अहंकार, उसी से ही क्या आता है क्रोध आता है, क्योंकि मैं मेरी बात कैसे नहीं मानी, क्रोध आता है। उसी से ही मोह आता है, मैं हूं और ये मेरा है इसीलिए मोह होता है, लालच मेरे लिए मुझे ये चाहिए, मैं होगी नहीं तो मुझ कैसा मेरा कैसा। तो इस अहंकार पे बहुत पैनी दृष्टि रखिएगा सुंदर साहब जी, कब कब ये खड़ा हो जाता है, ये मैं पना जो है धनी की मैं की तरफ मोड़ना है। पिया मोड़ेंगे वही रास्ता दिखा रहे हैं, बस इस पर थोड़ी थोड़ी नजर पिया ही रखवा रहे हैं। ये भी पूरे दिन में कोशिश कीजिएगा कब ये राक्षस खड़ा हो जाता है उसको बिठा दीजिए, उसको बताइए हमारे धनी की ये सीख नहीं है, हमारे परम धाम की ये रीत नहीं है, इसलिए तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो सुंदर साहब जी झगड़ा करने के लिए तैयार रहते थे, उनके अवगुण ही खोजते रहते थे, अब कोई तो बहाना मिले, छिद्र है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा, अंदर सर्व गुण संपन्न बैठे हैं उनमें से अवगुण ढूंढे तो ढूंढे कैसे। पर अब एक दिन उनकी नजर में अवगुण, उनकी नजर में अवगुण क्या मिल गया सुंदर साहब जी, एकादशी को भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा होती थी और सभी व्रत किया करते थे एकादशी का व्रत, द्वादशी के दिन सब भंडारा किया करते थे और उस दिन कथा नहीं हुआ करती थी। पर देवचंद्र जी का नियम था कि बिना आत्मिक आहार दिए इस शरीर को मैं आहार दूंगा नहीं, तो जिस दिन कथा होती थी यानी कि एकादशी वाले दिन वो भी उस दिन भोजन किया करते थे अच्छे से, द्वादशी वाले दिन सब तो भंडारा करते थे कथा होती नहीं थी, तो देवचंद्र जी भी अपनी आत्मा को आहार नहीं मिला तो अपने शरीर को भी आहार नहीं देते थे, वो भी उपवास किया करते थे सुंदर साहब जी। अब इन्होंने देखा क्योंकि छिद्र ढूंढना है ना, तो एक एक बात पे उनकी दिनचर्या पे भी ध्यान दे रहे हैं, सोचिए उनको कैसे पता ये खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, तो एक एक उनके जीवन के पल पल पे नजर रखी जा रही है कि ये कब करते क्या हैं। तो अब उनको पता लग जाता है कि इस दिन खाना खाते हैं, किसको छोड़ा होगा सोचिएगा, किसको नजर रखने के लिए छोड़ा होगा कि देखो पूरा पूरा दिन ये क्या करते हैं, आखिर आ ही गई एकादशी, आखिर आ ही गई द्वादशी, मिल गया आज तो बड़े खुश हैं सारे, बड़े सुंदर सुंदर ताने तैयार करके आए हैं, श्रीमद् भागवत की तैयारी तो कभी की नहीं, उसको तो सुना नहीं, पर ताने बड़े सुंदर तैयार करके आए कि आज हमने इनको ताने मारने हैं। अब सुंदर साहब जी विरोधियों ने जब ये सुना ना तो कांजी भट्ट के पास आ जाते हैं, खूब निंदा करते हैं, एह निंदा ले के करने लगे विचार, अब दाव हमारा आईया ये कैसा धर्म व्यवहार, आज हमारी बारी आई है, आज हमारा दाव आया है, ये कैसा धर्म व्यवहार है, आज तो सुनहरा अवसर मिल गया है देवचंद्र जी को अपने सामने झुकाने का। सुंदर साहब जी यही चाहते हैं कि मेरे सामने झुक जाए पूरी पृथ्वी, तब भी अहंकार की संतुष्टि नहीं होती। सुंदर साहब जी इसका अर्थ है
ब्रह्मवाणी की एक बूंद भी अंदर छू भी नहीं पाई है। यदि ऐसा अहंकार हमारे अंदर भी है, सब मिलकर आते हैं कांजी भट्ट सबसे पूछते हैं कि भाई, कांजी भट्ट से पूछते हैं भाई, देवचंद्र जी को ऐसा उल्टा उपदेश दिया है क्या कि जिस दिन हम उपवास रखें वो ना रखें, और जिस दिन चर्चा नहीं होती या होती है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? एकादशी के दिन तो उपवास होता है, क्यों भर पेट खाना खा रहे हैं, और अगले दिन जिस दिन भंडारा करना चाहिए उस दिन उपवास रख के बैठ जाते हैं? बताओ भाई, ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है कि द्वादशी को उपवास किया जाए? हमारे इस संशय का निवारण कर दीजिए। ये ऐसा धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? वैसे तो शायद पूरे आते भी नहीं थे, रोज सुनने निष्ठा बंद वो आते भी नहीं थे, पर आज तो सारे इकट्ठे आए हैं एक दूसरे को इन्फॉर्म करके कि आज तो बड़ा आनंद आने वाला है, आज तो हम उनकी बेइज्जती करने वाले, उनको झुकाने वाले, आज सब आना देखना, आज होता क्या है, मंदिर भरा हुआ है आज। तो सुंदर साहब जी, कांजी भट्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, पहचान उनके अंदर ऐसी तो है जो एक गुरु को होती है। कहते हैं, देवचंद्र जी, ऐसा मेरा विश्वास है कि वो कुछ गलत नहीं करते, जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। सुंदर साहब जी, ये सोचने पर ऐसा विश्वास गुरु का पाया कैसे उन्होंने? कैसे उनके हृदय में इतना प्रेम उनके लिए अपनी रहनी से? रहनी इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस काल माया। सुंदर साहब जी, इस काल माया में रहनी के बिना बहुत मुश्किल है। वाणी मंथन जरूरी है, रहनी में आना, मंथन कर लिया, उसको रहनी में लाए ही नहीं तो क्या क्या मिला? सुंदर साहब जी, बस पढ़ लिया, मंथन कर लिया, हृदय में उतार कर कुछ बदलाव आए ही नहीं तो चितवन कैसे लगेगी? सुंदर साहब जी, आज भी हम सुंदर साहब के दिल को दुखाते हैं, आज भी ईर्ष्या करते हैं, आज भी लोभ करते हैं, आज भी हम आहार की तरफ नहीं बढ़ते, सात्विक आहार की तरफ, तो वाणी मंथन करके चोट तो लगी ही नहीं, केवल शब्द शब्द याद कर लिया, रेशा रेशा उसका याद कर लिया, पर अंदर पहुंचा ही नहीं। हाँ, वो बूंद जरूर पड़ गई होगी, पर सुंदर साहब जी, डुबकी लगानी है हमें, नहीं रहना, पूरे हृदय के भेद जानने हैं पिया, एक भी कोना नहीं छोड़ा है सुंदर साहब जी। उन्होंने बातचीत चल रही होती है और देवचंद्र जी पहुंच जाते हैं, इसका मतलब आज तो पहले ही आ गए थे सारे सेठ, सारे पहले आके कांजी भट्ट के कांजो भरने हैं, आज पहले आके पूरी अपनी कथा सुनाते हैं आज। अब देवचंद्र जी पहुंच जाते हैं, तब सबकी शंका का निवारण करने के लिए कांजी भट्ट उनके रिप्रेजेंटेटिव होकर अभी तक बात कर रहे थे कि वो कुछ गलत नहीं कर सकते। अब कहते हैं, आइए देवचंद्र जी से ही पूछ लेते हैं। फिर वो उनको पूरी बात बताते हैं कि देवचंद्र जी, आप द्वादशी को उपवास रखते हैं, एकादशी को भोजन करते हैं, मैं ऐसा मानता तो नहीं आप करते होंगे, पर यदि करते हैं तो क्यों करते हैं, आप इनको जरूर बताइए। सभी एक स्वर में कहते हैं सुंदर साहब जी, अब सारे सारे जने की अभिप्राय बताइए, ऐसा करते क्यों है? सारे इकट्ठे, आज तक तो बनती ना हो चाहे आपस में, पर मोदी के खिलाफ सारे एक हो जाते हैं ना सुंदर साहब जी, यहाँ पर देवचंद्र जी के खिलाफ सारे एक होकर खड़े हो गए हैं कि एक ट्यून में, एक स्वर में तैयारी की है, आप ऐसा क्यों करते हैं जरा बताइए तो सही। तो आपकी मानसिकता को हम समझ नहीं पा रहे, भागवत रूपी वृक्ष की डाल पर तो कोई विरला ही पहुंच पाता है, पर भागवत के जो 12 स्कंद है ना सुंदर साहब जी, उनको डाल कहा गया, उनके कहते हैं उसकी एक एक डाल, एक एक स्कंद को तो कोई विरला ही समझ पाता है, पर आप तो कैसा कैसा व्यंग्य कस रहे हैं उनके ऊपर, पर तुम पात पात की रग में है दरखत विस्तार, तहां तुम सब में फिर वले ऐसो औरन को नहीं विचार। आप तो संपूर्ण भागवत के वृक्ष, भागवत रूपी वृक्ष की डाल के एक एक पत्ते
की एक एक नस बोलते हैं ना सुंदर साथ जी, एक एक रग रग में विचरण करते हो तुम तो सब में फिर वले, तो फिर आप में दूसरों की तरह श्रेष्ठ विचार कहाँ से आ सकते हैं? दूसरों में ऐसे विचार तो आ ही नहीं सकते जो आप में आ गया। देवचंद्र जी जरा हमें भी तो बताइए ना किस प्रकार आप ये करते हैं, धर्म ग्रंथों के उदाहरण दे दे कर कांजी भट्ट आप हमें चर्चा सुनाया करते हो। हम तो सब सच मान लेते हैं, जो भी भट्ट जी कह रहे हैं सब सच है। तो देवचंद्र जी ने उत्तर दिया कि कांजी भट्ट पर दोषारोपण हो रहा है अब तो। कहते हैं श्रीमद् भागवत की चर्चा मेरी आत्मा का आधार है, मेरी आत्मा का आहार है, तो जब तक मुझे वो ना सुने मैं शारीरिक आहार ग्रहण नहीं कर सकता। एकादशी वाले दिन बहुत चर्चा हुआ करती है, बहुत सारी चर्चा मिला करती है, तो मैं भी भरपेट भोजन किया करता हूँ। द्वादशी वाले दिन केवल भंडारा होता है, चर्चा नहीं होती, तो मैं भी अपने शरीर को कोई आहार नहीं देता। सुंदर साथ जी कितनी सुंदर सिखापन जो कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर ब्रह्म के द्वारा की जाने वाली आनंद रस से भरपूर प्रेममय लीला का वर्णन करने वाला है, ऐसा देवचंद्र जी कह रहे हैं। इसको सुनकर भी अगर आप स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले एकादशी व्रत को ही सर्वोपरि मानते हैं तो बहुत आश्चर्य की बात है कि ये संसार कहाँ भटक रहा है। सुंदर साथ जी कांजी भट्टे कहया देवो इनको उत्तर, अब दो इनको उत्तर, जवाब ना आया काहू को धन धन कहया यो कर। तो कहते हैं देवचंद्र तुम धन्य हो, आप धन्य हैं देवचंद्र जी, आज नतमस्तक हो जाते हैं सुंदर साथ जी। तो अपनी रहनी से कठिन लोगों को भी नतमस्तक किया जा सकता है, उनकी कोई मंशा नहीं है, वो स्वयं अपने हृदय से नमन कर रहे हैं कि देवचंद्र आप धन्य हैं जो ऐसी शिक्षा इन श्लोकों में से ग्रहण कर रहे हैं। इसको कहते हैं रहनी पर चलना, इन भांत चर्चा मिने रहत है एक रस, नीर नैनो झरत है जो वाणी सुने सरस। सुंदर साथ जी इस प्रकार से हमारी प्यारी श्यामा जी देवचंद्र जी एक रस चर्चा में डूबे रहते हैं, एक रस होकर एक एक बात से एक रस हो जाते हैं, डूबे रहते हैं उसमें, और नैनों से नीर झरता रहता है कि ब्रिज की बातें सुनते हैं सुंदर साथ जी, रास की बातें सुनते हैं, आंखों में से नेत्रों में से नीर झरता रहता है। किसके लिए सुंदर साथ जी? ये क्यों जल उनकी आंखों को भिगो जाता है, ये अश्रु धारा क्यों बहती रहती है, ये नीर क्यों बहता है? क्योंकि उनके अंदर प्राण पिया प्राण प्रियतम से मिलने की वो तड़प है, फिर भी उनको दर्शन नहीं दिए जा रहे। अभी सुंदर साथ जी उनको दर्शन क्यों नहीं मिल रहे उसका कारण मैं हूं। हर एक सुंदर साथ को सोचना है कि मेरी श्यामा को मेरे पिया दर्शन नहीं दे रहे उसका कारण कौन है? उसका कारण मैं हूं, क्योंकि हमारे लिए मेरे लिए उनसे ये मेहनत करवाई जा रही है। रोज रो रहे हैं सुंदर साथ जी, वो रोज रो रहे हैं सुन सुन के। अभी तो श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, हमें वाणी श्रीमुख वाणी की एक एक चौपाई एक एक शब्द में जो प्रेम रस भिगो दिया उन्होंने, धनी ने अपने हृदय का प्रेम रस, सुंदर साथ जी जो काल माया में आ भी नहीं सकता वो अनहोनी भी कर दी, और क्या करें हमारे हमारी आंखें नहीं भीगती सुंदर साथ जी, भीग भी जाएं तो 2 मिनट 3 मिनट 1 घंटा उसके बाद फिर हम उसी माया में रल जाते हैं। नहीं सुंदर साथ जी, हर पल हर घड़ी
चाहे हाथ चलते रहें। वो नहीं कहते कि सारा दिन तुम मेरे बागे सजाती रहो, सारा दिन तुम मेरे ही पास ही बैठी रहो शरीर से, ये भी नहीं कहते सुंदर सा जी। तपस्वी योगी बैठते हैं ना, वो ये भी नहीं कहते, कहते हैं अपना दिल मुझे दे दो, बस अपना हृदय मुझे दे दो, पूरा दिन ये शरीर चलता रहे, कुछ भी करती रहो, पर तेरे हृदय के एक एक घड़ी पर, जो तेरे हृदय में एक एक पल व्यतीत हो रहा है ना, उस पे मेरा नाम लिखाओ। बस वो ये कहते हैं कि हृदय से जब एक एक सांस तू महसूस करे, तो सहरग से भी नजदीक सांस से पहले तू मुझे महसूस करे। सहरग से नजदीक क्या होता है सुंदर साहब जी? सांस महसूस होने से पहले वो जो उसके भी नजदीक मेरे बैठा हुआ है, पहले तो मेरा एहसास करे कि मैं तेरे पास हर पल पास हर घड़ी, मेरा वो शीतल एहसास पहले आए फिर अगली सांस आए। सुंदर साहब जी ऐसी पिरोई जाए ये माला कि पहले धनी फिर सांस, पहले धनी फिर सांस, पहले मेरे धनी फिर ये सांस आए। इतना प्रेम हमारे धनी जी हमसे करते हैं सुंदर साहब जी। इस प्रकार की चर्चा सुनते सुनते, नैनों से नीर बहाते बहाते सुंदर साहब जी, तड़पते तड़पते बिलखते बिलखते 14 वर्ष, जिस प्रकार चांदनी चौक इतना लंबा, एक चबूतरा एक मंदिर, सुंदर साहब जी हम कितना छोटा लेते हैं कि एक मंदिर मतलब यहाँ का मंदिर, पर वहां का मंदिर इतना विशाल, वहां का एक हाथ इतना विशाल है सुंदर साहब जी। इसी प्रकार ये 14 वर्ष कहने से पहले मेरी जबान कट क्यों नहीं जाती कि 14 वर्ष तक हमारी श्यामा जी हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, और आज हम इश्क रब्द का प्रकरण भी ऐसे पढ़ जाते हैं जैसे मैंने नहीं किया, मेरे साथ हुआ ही नहीं, मैं तो किसी दूसरे की बात सुन रही हूँ जिनके साथ हुआ होगा, क्योंकि चोट तो उनको लगेगी ना जिनके साथ ये हुआ है। सुंदर साथ जी महामति कहे ऐ साथ जी, ये नौतनपुरी की हकीकत और भी आगे की कहूं भई जो बीतक इत। श्री महामती जी कहते हैं नौतनपुरी में होने वाली सत्य लीला के कुछ अंश हैं, पूरी बात तो बताई भी नहीं जा सकती, शब्दों में लाई भी नहीं जा सकती, इसके बाद और जो जो बातें हुई अब मैं उसका वर्णन करूंगी। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साहब जी ये जयकारा केवल इस कार्यक्रम के खत्म होने का जरूर होता है, पर दिल की सांसों की टिकटिकी में धनी को महसूस करने को खत्म नहीं करना, इसके साथ ही उसका जयकारा नहीं है ये सुंदर साहब जी। उसको हर पल हर घड़ी उस मोती को जरूर देखते रहिए, उसमें क्या सुख छुपे हुए हैं। जब एक सांस एक धनी, एक सांस एक धनी की ये जो माला बनती है ना सुंदर साहब जी, हृदय को बहुत प्रेम बहुत तड़प बहुत कुछ देकर जाती है। प्रणाम जी, आज इसी का प्रसाद यदि हम ग्रहण करें तो कितना अच्छा हो सुंदर साहब जी। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कोई भी भूल चूक हुई हो सुंदर साहब जी, मुख से कुछ ऐसा निकल गया हो जो आपके हृदय को धनी की चोट तो लगे राज जी करें, कभी नहीं लगी तो किसी के बहाने ही लग जाए आज, पर यदि दूसरी तरह की कोई चोट लग गई हो तो मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साहब जी अब पिया जी की अर्जी अनुपमा दीदी के मुखारविंद से। प्रणाम जी अनुपमा दीदी, प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम दीदी। हाँ, मेरे लाखों के प्यारे सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे
पिया जी तुम हो तैसी की जियो मैं अर्ज करो मेरी पियो जी हम जैसी तुम जिने करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी तुम बिना मैं किनसे कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी आस वीरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो ये जी सब विध पिया जी साम्रथ दीना रैन जात रोए रोए जी जन्मांदे जो मैं हूँ दी पिया सो तुम देखते की ये जी जब तुम आप दिखाओगे तब देखू नैना बार जी ये पुकार पिया जी सुन के अब दिल करो तुम जीना जी छन छन खबर तू लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी एती पुकार मैं तो करी पिया जो आड़ी पड़ी अंतराय जी सो आड़ी अंतराय टाल के दुला लीजे कंठ लगाए जी कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी वारणी जाय श्री इंद्रावती पिया जी राखो कदमों के पास जी तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी इशक सो सेवा करो पिया जी सब अंगो साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी अंगना बलि बलि जात जी पिया जी तुम हो तैसी की जियो मैं अरज करो मेरे पियो जी बोल श्री प्राणारे की जय धाम के धनी की जय प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साज जी प्रणाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय अति सुंदर वाणी गायन और अति सुंदर अर्जी भाव से भीनी हुई अर्जी आपके चरणों में कोटान को प्रणाम जी दीदी प्रणाम जी